राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चाओं से सियासत का बाजार गर्म है। कांग्रेस की ओर से लगातार उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच कांग्रेस के बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भी प्रलोभन दिए जाने की खबरें सामने आई थी, लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा ने एवंटीवी से खास बातचीत में कहा कि ना तो उन्हें किसी तरह का फोन आया और ना ही उन्हें किसी ने प्रलोभन देने का प्रयास किया। मलिंगा ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में इस तरह के प्रयास किए हैं और सफल भी हुए हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के प्रयास सफल नहीं होंगे। इस दौरान मलिंगा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्म है। बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि उनकी ओर से विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं गिरिराज मलिंगा बाड़ी से जो विधायक हैं, उनकी ओर से इस तरह के स्टेटमेंट आए कि उनको इस तरह के प्रलोभन दिए गए। गिरिराज जी, आपकी ये बात चर्चाओं में है कि आपको बीजेपी की ओर से प्रलोभन दिया गया, आपने सीएम साहब को इसके सबूत भी सौंपे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना मैंने कोई सीएम साहब को सबूत सौंपे, कोई चर्चा ही नहीं हुई है कि मेरे पास इस तरीके की कोई सूचना हो। ये सब फालतू की बात है, ना किसी ने मेरे को खरीदने की कोशिश की, मैं किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाऊंगा। तो मीडिया में इस तरह की खबरें छपी हैं, रिसोर्ट में भी आपके नाम की बड़ी चर्चा है, आप पिछले कई दिन से यहाँ नहीं थे उपस्थित भी? नहीं, मैं तो अपने घर पे गया था, कोई काम था, मैं आपको बताऊं। और मेरे बका के इतना रुका भी नहीं जाता कहीं एक जगह, 10 दिन में रुका रहूँ। वोट तो 19 तारीख होगी ना, जब आएगा ना ही दे देंगे, अभी तो हम जाएंगे घर पे हुआ। लेकिन जिस तरह की चर्चा आपको, आपके पास किसी तरह का कोई फोन नहीं है? कोई फोन नहीं आया भाई मेरे, किसी से मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एसओजी में शिकायत की महेश जोशी ने, आपको लगता है कि इनमें कुछ सच्चाई है इन खबरों में? नहीं, मैं नहीं कह सकता, उनका जवाब वो ही देंगे। लेकिन जिस तरह की शिकायत की है, आपको लगता है कुछ विधायकों के आपके जो साथी हैं उनको प्रलोभन दिए गए बीजेपी की ओर से? देखो, बीजेपी तो काम करती है, कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी आपके सामने सरकार गिराई है, कर्नाटक में गिराई है, एमएलए को इस्तीफे देने के लिए वो मजबूर करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, पैसे का मोटा ऑफर देते हैं। गुजरात के अंदर किया है, क्या नहीं किया है। उधर उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को पटकने के लिए उन्होंने कोई कमी छोड़ी क्या? कोर्ट ने बचाया था वो तो। लगता है राजस्थान में भी ऐसे प्रयास हुए हैं? प्रयास कर रहे हैं वो तो, उनका काम है, कर सकते हैं प्रयास, का प्रयास तो हर कोई करता है। पर मेरे पास जो आप लोग सोच रहे हैं वो मेरे पास कोई सूचना नहीं है, ना मेरे कुछ ने कोशिश की खरीदने। आपको ऐसी कोई जानकारी जो बीजेपी ने जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, बीजेपी लगातार ऐसे प्रयास करे, आपके पास ऐसी कोई जानकारी? नहीं, मेरे पास कोई नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिनका कहना है कि जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही है कि उनके पास कुछ फोन जो बीजेपी की ओर से किए गए, लगातार मीडिया में जो खबरें छपी है उनका उन्होंने खंडन किया और कहा कि उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनके पास किसी तरह का कोई फोन आया। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।